बहुत बड़ी घटना हमारे निजी जीवन में घटित हुई, जिसकी शायद हमने कल्पना नहीं की थी। और आप सब लोगों का प्यार मिला, और हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कोई मकसद होता है, और आस्था की उतरी तो डॉक्टरेट कराना सिमी अग्निहोत्री का, प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की दिली ख्वाहिश थी, और उसकी डॉक्टरेट होते ही वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। परिवार तो हमारा हरोली का परिवार है, और घर में तो हम तीन लोग ही हैं, तीन लोग ही थे, और परिस्थितियां सब आपके सामने हैं। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि अब जीवन का मकसद सीमित हो गया है, और पांच इलेक्शन मैंने लड़े, पांच इलेक्शन मैंने जीते, और सिमी अग्निहोत्री के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि एक सामान्य इंसान से उन्होंने मुझे इस बुलंदी तक पहुंचाया। शायद उनके जीवन का यही मकसद था कि हमारे जीवन में वो आई और हमें यहां तक पहुंचा के, ना उनमें कोई स्वार्थ था, साथी थी। और ये मैं हरोली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हालांकि मैं पार्टी विशेष से संबंध रखता हूं, लेकिन मेरे जीवन में अब पार्टी नाम की कोई चीज नहीं। मैं आप सबका हूं, सारी हरोली का हूं, हर व्यक्ति का हूं। मेरा मकसद अब पार्टी की दीवारों से ऊपर उठ के जो बाकी जीवन है वो मैं आप सबकी सेवा में समर्पित रखूं, यही मेरा मकसद रहेगा। और समस्त हरोली के लोग जब भी चाहे, सुबह दोपहर शाम रात, जब भी हम आपकी सेवा में समर्पित हैं, जो सब हमारे से हो पाएगा वो हम करेंगे। आपके लिए जो कर सके हम, हमने किया, और जो आपके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए जो हमसे होगा वो हम करेंगे। और जहां तक राजनीति का सवाल है, मुझे अभी भी पार्टी का आदेश हुआ था कि आपको पार्लियामेंट लड़नी है, आपने नहीं लड़नी है तो आस्था की उत्तरी को लड़नी है। हमने कहा कि हम जिस मानसिक पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं, और मैंने सतपाल राजादा जी से आग्रह किया कि हमारा पूर्ण समर्थन आपको है, हम पूरी ताकत से आपका साथ देंगे। इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए हम ही भरे, इसलिए मैं हरोली वासियों से आग्रह करना चाहता हूं, कोई मन में कोई भावना रखे बगैर जो हमने वचन राजादा जी को दिया है उसको हमें निभाना है। पूरे हम पूरी ताकत से इनके लिए काम करेंगे।